दोस्तों नवंबर में एक ऐसी न्यूज़ आती है जिससे सब हिल जाते हैं। जी हाँ, 18 सोसाइटीज़ की ऐसी न्यूज़ जिन्हें अब गवर्नमेंट भी मान चुकी है कि वो रहने के लायक नहीं है। इश्यूज़ क्या हैं? किसी में सीपेज है, किसी का स्ट्रक्चर ख़राब है, किसी का प्लास्टर गिर रहा है, लेकिन क्या सच में वो रहने लायक नहीं है? और वो बिल्डर कौन कौन हैं जिनकी ये सोसाइटीज़ हैं? दोस्तों मेरी वीडियो में आज बात करेंगे कुछ ऐसी सोसाइटीज़ की कि ये पूरा मामला क्या है, कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं, कौन कौन से बिल्डर हैं और कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से ये सोसाइटीज़ आपके रहने के हिसाब से बिल्कुल भी सेफ नहीं है। पहले बात करते हैं गुड़गांव के हॉटस्पॉट की। जी हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव की, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम हरियाणा के और इंडिया के नामी गिरामी बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, और वो भी इतने महंगे रेट्स में। लेकिन एक टाइम में, जब पुराने टाइम में सेम यही हाल हुआ था ना, तब भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे। लेकिन उन प्रोजेक्ट्स की आज हालत क्या है जिनके नाम इस रिपोर्ट में हैं, तो पहले चलते हैं। सबसे पहले रहेजा के दो प्रोजेक्ट्स हैं सेक्टर 109 के अंदर। आप ही देखो यार, इन दोनों के नाम है रहेजा अथर्वा और रहेजा वेदांता। देखो इन दोनों की क्या हालत है, आप ही ड्रोन शूट में देखो कि इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो ये आपके टावर्स बाहर से ही इतना मतलब प्लास्टर गिर रहा है, सीपेज का इशू है और भी कई सिक्योरिटी में कमी है, जो अंदर अपार्टमेंट्स बने हुए हैं उनकी छतों में कमजोरी है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, जो चार पैनल जो कि डिसाइड हुए थे, जिन्होंने इनकी ऑडिट की, जो उन्होंने गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी, ये सब वो कह रहे हैं। तो दोस्तों आप ही देखो कि इन दोनों का प्रोजेक्ट्स का आपको क्या लगता है कि यार सच में लोगों के रहने के लिए सेफ है? भले ही वैल्यू इनकी औरों से थोड़ी कम हो, लेकिन अपने आप में जब ये बिके थे ना, तो यार ये भी एक प्राइम रेट पे बिके थे, वही सिचुएशन आज दोबारा आने वाली। तो इसके साथ ही सेक्टर लगता है सेक्टर 110, जिसमें महिंद्रा ओरा करके ये प्रोजेक्ट है जो कि इस रिपोर्ट में अपना नाम रखता है। आप इस प्रोजेक्ट को देखो, आपको क्या लगता है यार, बिल्डर ने क्या सीमेंट यूज़ नहीं किया, सरिया अच्छा यूज़ नहीं किया? सारी कॉमन सी चीज़ें हैं जो हर प्रोजेक्ट में यूज़ होती हैं, लेकिन एक तरफ इसका महिंद्रा लुमिनार जैसा प्रोजेक्ट अपना नाम इतनी ऊपर लेके जा रहा है, दूसरी तरफ यार ऐसा प्रोजेक्ट महिंद्रा को अपना नाम खराब नहीं करना चाहिए। अगर उसे लगता है कि, अगर बिल्डर को लगता है कि यार मेरे प्रोजेक्ट की शेल्फ लाइफ 10 साल की है, तो उसे और अच्छी क्वालिटी यूज़ करनी चाहिए थी ना उस टाइम, जो यार आने वाले टाइम में कम से कम इस प्रोजेक्ट की लाइफ तो बढ़ाए, लोगों के रिस्क के साथ तो ना खेले। इसके बाद बात करते हैं सेक्टर 107 की, जिसमें गुड़गांव की एक ऐसी कंपनी का नाम आया है जिसके सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट इस टाइम गुड़गांव में चल रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल हो। जी हाँ, M3M की बात कर रहा हूँ। M3M का वुडशायर प्रोजेक्ट भी इस लिस्ट में है। आप ही देख लो यार, इस प्रोजेक्ट बाहर से कितना अच्छा है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है इसमें, चाहे सीपेज की प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे प्लास्टर की प्रॉब्लम आ रही हो, और भी कई तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं, वो आपकी इसकी डिटेल रिपोर्ट में दिख जाएगा। लेकिन यार M3M जैसे प्रोजेक्ट का इसमें आना, मुझे नहीं लगता M3M की रेपुटेशन के लिए भी अच्छा होगा। इसके बाद बारी आती है न्यू गुड़गांव की, जो सेक्टर 81, 82, 83 के आसपास पड़ते हैं। यहाँ पे एक ग्रुप कॉमनली एक्टिव है, उसका नाम था मैप्सको। तीन प्रोजेक्ट यहाँ पर आए और तीनों ही प्रोजेक्ट इस लिस्ट में है। तो क्या जगह की प्रॉब्लम नहीं, बिल्डर में प्रॉब्लम थी, या उसकी कंस्ट्रक्शन में इतनी प्रॉब्लम थी जो उसके तीनों के तीनों प्रोजेक्ट्स का नाम इसमें है? मैप्सको कासाबेला, मैप्सको पैराडाइज और मैप्सको रॉयल विले। अगर आप देखोगे ना यार, इन तीनों प्रोजेक्ट्स में अगर दिक्कत आ रही है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बिल्डर सही था। मैं ये नहीं कहना चाहता कि बिल्डर बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, पर खुद ही दिखा रहा है यार, उसने तीन प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किए और तीनों में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, जो लोगों को कंप्लेंट लेकर रेरा में जाना पड़ा, ऑडिट हुई और तीनों के तीनों प्रोजेक्ट खराब, मतलब तीनों की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में प्रॉब्लम है। अगर इस लिस्ट की बात करें तो इसमें ऐसे ऐसे डेवलपर्स भी हैं जिनके एक दो या उससे ज़्यादा के प्रोजेक्ट हैं, जैसे स्पेस का आप करें सेक्टर 72 में जो प्रोजेक्ट है उसका भी इसमें नाम है, अंतरिक्ष हाइट्स करके सेक्टर 84 के अंदर ये प्रोजेक्ट है। अगर आप प्रोजेक्ट देखने जाओगे ना, कहोगे यार सच में मैं अंतरिक्ष में आ गया, लेकिन क्या ये प्रोजेक्ट आपको जैसा दिखता है वैसा है? बाहर से पेंटिंग अच्छी है, लेकिन अंदर का क्या? क्या आपको सेफ्टी मिलेगी? क्या प्लास्टर नहीं जड़ेगा? क्या सीपेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी? ये प्रॉब्लम्स कॉमन तो होती हैं, लेकिन अगर बिल्डर इनकी मेंटेनेंस अच्छे से करे ना, तो शायद उसे इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। ये तो बात थी द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव की, जहां आज एक के बाद एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं। लेकिन आपको पता है SPR जो कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के बाद अब डेवलपमेंट का अगला एरिया माना जा रहा है, वहां पे भी कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके नाम इस लिस्ट में हैं। जी हाँ, ट्यूलिप अपनी इतनी बड़ी टाउनशिप वहाँ बना चुका है, लेकिन उसका ट्यूलिप आइवरी करके एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 7 करोड़ का घर भी है। उसके अंदर विलाज वगैरह और अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, लेकिन 7 करोड़ का घर बंदा एक सोसाइटी में लेने जा रहा है और उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और सेफ्टी पे सवाल।
तो सोचने वाली बात है दोस्तों कि अगर ऐसे प्रोजेक्ट का नाम भी आता है ना तो बिल्डर को डेफिनेटली ध्यान देना होगा, अदरवाइज गवर्नमेंट उसका क्या करेगी, ये तो देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन एक बात और, आपको क्या लगता है कि ट्यूलिप आइवरी में अगर चैलेंज है तो इसके सामने वाली सोसाइटी ट्यूलिप ऑरेंज करके है और एक सोसाइटी इसकी ट्यूलिप वाइट है, या तो उसकी ऑडिट नहीं हुई या फिर वो इस रिपोर्ट में उसका नाम क्यों नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उन दोनों सोसाइटीज़ के नाम भी इसमें होने चाहिए थे, क्योंकि वहाँ पर सीपेज के इश्यूज़ और इन तरीके के इशू ना कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप जाकर देखो यार प्रोजेक्ट, आज 70-75 लाख रुपये में वहाँ घर तो मिलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता भाई वो सेफ है। इसलिए मैं तो अपने किसी भी बंदे को वो सोसाइटीज़ कभी रिकमेंड नहीं करता। दोस्तों इस लिस्ट में ना AIPL जैसी कंपनी का नाम भी आया, उसका एक ही प्रोजेक्ट है AIPL पीसफुल होम्स के नाम से, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। लेकिन AIPL तो अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए वैसे ही बहुत अच्छा है, पर इस रिपोर्ट के अंदर उसमें भी कोई ना कोई इश्यूज़ दिखाए गए। इश्यूज़ सेम ही है, सीपेज, प्लास्टर या फिर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे कोई चैलेंज। क्या है ये AIPL का, क्यों इसके अंदर नाम आया, ये तो जब डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें आपको पता लग ही जाएगा। लेकिन इसके साथ एक सोसाइटी और है पारस आइरीन करके, बिल्डर ने जब माल बेचा था तो उस टाइम एक हाई प्राइसेस इसलिए बेचा था, उसने कहा था कि मेरे जैसा क्लब और मेरे जैसी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी नहीं आएगा। लेकिन आप स्क्रीन पे देखो यार, स्टार्टिंग आप अंदर घुसते ही टावर्स का फ्रंट बालकनीज से प्लास्टर गिर रहा है, और सबसे बड़ी बात सीपेज का इशू बहुत ज़्यादा है इस सोसाइटी के अंदर, लेकिन लोग फिर भी पता नहीं 2-2 करोड़ रुपए के घर इसके अंदर कैसे ले रहे हैं। दोस्तों मुझे तो ऐसा लगता है, देखो ये रिपोर्ट आपके सामने आई, मैंने आपको उन्हीं सोसाइटीज़ के नाम बताए जो गवर्नमेंट ने पब्लिश किए, लेकिन ये सोसाइटीज़ ऐसी हैं रहने के लिए, अंदर लोग रह भी रहे हैं, 2-2 करोड़ के घर भी हैं, 1.5-2-3 करोड़ के भी घर हैं। लेकिन 3 करोड़ का घर लेने के बाद भी एक टाइम ऐसा आया जब चिंटल जैसा हाल टावर को डेमोलिश करने तक का ऑर्डर दे दिया गया, तो कहीं आने वाले टाइम में इन सोसाइटियों के साथ भी ऐसा ना हो। तो मेरी अपनी गवर्नमेंट से, रेरा से, हर किसी से यही रिक्वेस्ट है, टाइम टू टाइम ऑडिट कराएं और इनकी मेंटेनेंस करने के लिए या इसको रेनोवेट करने के लिए जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वो ज़रूर उठाएं, ताकि अंदर रहने वाले लोग जिन्होंने अपने घर ले रखे हैं उन्हें भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। दोस्तों लेकिन अगर आपको लगता है आपकी कोई और ऐसी सोसाइटी है जिसका नाम इस रिपोर्ट में आना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं आया, तो फ़ोन उठाओ, फ़ोन घुमाओ, हम आपकी बात को आगे तक ज़रूर लेके जाएंगे और इस चीज़ में हम आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं।